तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पे इंस्टाग्राम के कॉमेडी गाइडलाइंस के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में कई सारे लोग को मालूम होता है लेकिन उसको ठीक से पढ़ते नहीं है और फ्यूचर में वो अपने अकाउंट को डिसेबल या फिर परमानेंटली डिलीट या फिर एक्शन ब्लॉक लेकर बैठ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर लीजिए, वहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ कॉमेडी गाइडलाइंस होंगी, जिनका अगर आप ठीक से फॉलो नहीं करते हो तो आपके अकाउंट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम के जो भी कॉमेडी गाइडलाइंस हैं उनको कवर करने वाला हूँ, जो कि मतलब आप लोगों के लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इन सब चीज़ों को करते हो तो आप उसको करना बंद कर दीजिएगा जो मैं बताने वाला हूँ, नहीं तो फ्यूचर में आपको अपने अकाउंट पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो को आप लाइक नहीं करते तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें पहले उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में, तो यहाँ पे मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग उसको ठीक से पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं इनको जो है यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे पहला दोस्तों है कम्युनिटी गाइडलाइन, जो कि कोविड से रिलेटेड है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप इससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पे कुछ भी जो है गलत न्यूज किसी को देते हो या फिर किसी दवाइयों के बारे में किसी को सजेस्ट करते हो जो कि गलत है, ठीक है, और इस पे जो है मतलब पॉलिटिक खेलते हो या मतलब कुछ इस पे हेटफुल स्पीच किसी को देते हो, कुछ पोस्टें अपलोड करते हो, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी को मैसेज करते हो तो नीचे कभी कभी आ जाता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में। कहने का मतलब यही है कि अगर आप इससे रिलेटेड किसी को कुछ एसएमएस कर रहे हो जो कि गलत है और जो कि ठीक नहीं है तो आपके अकाउंट पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मेरी नज़र में तो यही कहा जाएगा कि भाई इससे रिलेटेड आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी ना करें, ना पोस्ट डालें, ना वीडियो, ना रील्स, कुछ भी ना डालें, ना किसी के पास इससे रिलेटेड मैसेज करें कोविड से रिलेटेड, ठीक है। दोस्तों अगला है द शॉर्ट। शॉर्ट में आपको केवल यही समझाया जा रहा है कि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक्सप्रेशन दी जाती है, अभिव्यक्ति की जाती है अपनी चीज़ों की, अपनी बातों का, लेकिन किसी के साथ गलत व्यवहार मत कीजिएगा, स्पैम मत करिए और एडल्ट चीज़ें मत अपलोड करिए, और साथ ही साथ जो खुद की फ़ोटो वीडियोज हैं जो कि नियमानुसार आप ही का है, जिस पर आपका अधिकार है, वही चीज़ें यहाँ पर अपलोड कीजिए। शॉर्ट में ये कहा गया, लॉन्ग में इसको क्लियर किया गया, ठीक। लॉन्ग में ये समझाया जा रहा है कि अगर ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके अकाउंट को डिसेबल किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है या फिर अदर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंस्टाग्राम जो है कई सारे वर्ग के लोग चलाते हैं, कई सारी सभ्यताओं के लोग चलाते हैं, कई सारी एज के लोग चलाते हैं, तो सबको मतलब ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम पे ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को क्रिएट किया गया है, जो कि सबके लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, सबको ये नियम फॉलो करने होंगे अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो, ठीक है। जब भी आप इंस्टाग्राम यूज करो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज करो, तो सबसे पहले उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को जरूर से जरूर पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला है शेयर ओनली फोटोज एंड वीडियो दैट यू हैव टेकन और हैव द राइट टू शेयर। मतलब कहा जा रहा है केवल यहाँ पे वही फोटो और वीडियोज को अपलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिन पे आपका खुद का जो है स्ट्राइक है, जिन पे आपका खुद का कॉपीराइट है, ठीक है। मतलब कॉपीराइट का मतलब खुद का है, ठीक है, आपका अपना है, ना कि आप लोग नेट से किसी चीज़ को डाउनलोड किया और अपलोड कर दिया, वो सब नहीं करना है। पे केवल और केवल आपका अधिकार है, वही चीज़ें यहाँ पे अपलोड कीजिए, ये कहा गया है। दोस्तों अगला है पोस्ट फोटोज एंड वीडियो दैट आर द अप्रोप्रिएट फॉर ए डाइवर्स ऑडियंस, मतलब ऑडियंस, ठीक है, सॉरी ऑडियंस था। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जो है केवल उन चीज़ों को अपलोड कीजिए, मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अगर आप एडल्ट चीज़ें अपलोड करते हो तो कई सारे लोग एडल्ट यूज करते हैं और कभी कभी हमें देखने को मिलता है तो लगता है भाई ये अपलोड कर रहे हैं, मैं भी अपलोड करूँ तो सबको सही चलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, फ्यूचर में हमारे अकाउंट के साथ दिक्कत आ जाती है क्योंकि हम लोग कॉपीराइट ये जो गाइडलाइंस है कम्युनिटी गाइडलाइंस उसको हम लोग ठीक से पढ़ते नहीं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप रियल में जो होता है एडल्ट में वो अपलोड कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन आप अगर किसी मूर्ति है, ठीक है, कोई मूर्ति है या स्केच डिजाइन कर रहे हो या कोई ड्राइंग क्रिएट कर रहे हो वो सब अपलोड करते हो तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप रियल में जो हो रहा है उसको अगर अपलोड कर रहे हो तो दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर नीचे ये भी है कि अगर बच्चों के साथ भी ऐसा है, कुछ बच्चे छोटे बच्चे होते खेला करते हैं, हम लोग उनका वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं तो वो भी गलत है, वो भी एडल्ट कॉन्टेंट आ जाता है, ठीक है, उसको भी नहीं अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर केवल मूर्ति है, ठीक, स्केच है और ड्राइंग है, इनको अपलोड कर सकते हो, लेकिन रियल में जो है उनको नहीं अपलोड कर सकते हो। अगर अपलोड करते हो तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए जो कि हाँ लगे कि हाँ आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, रिव्यू होगा, अगर वो वहाँ पे सटीक बैठता है तभी आपका वहाँ पे कंटेंट रहेगा, अदरवाइज आपका कंटेंट यहाँ पे डिलीट होगा, शायद आपका अकाउंट भी डिलीट हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ये चीज़ें मतलब अपलोड कीजिए, ठीक है,
तभी आपका अकाउंट सेफ रह सकता है। तो कहने का मतलब ये, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे जो ट्विटर पे या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे कहीं पर भी कॉन्टेक्ट करके इससे पूछ सकते हो। ठीक दोस्तों, अगला है फोस्टर मीनिंगफुल एंड जेन्युइन इंटरेक्शन। मतलब आप क्या करते हो ना, कई सारे लोग हैं जो कि पैसा लेकर देकर अपने फॉलोवर गेन करते हैं, लाइक बटोरते हैं और कमेंट बटोरते हैं, तो वो मत कीजिए। जेन्युइन तरीके से आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करिए। अगर आपका इंस्टाग्राम मतलब रिव्यू होता है टीम की तरफ से और इसमें आप पकड़े जाते हो तो आपके अकाउंट को फेज किया जा सकता है, वही चीज़ या डिसेबल या एक्शन ब्लॉक्ड किया जा सकता है। ठीक, तो जेन्युइन तरीके से आप इस पर ग्रो कीजिए। अगला है दोस्तों फॉलो द लॉ। इसमें यह कहा जा रहा है कि आप ऐसी चीज़ों को मत अपलोड कीजिए जो कि लॉ नियम के मतलब कानून के खिलाफ है, जैसे कि आतंकवाद हो गया, क्राइम हो गया, ठीक है, हेट ग्रुप हो गया और सेक्सुअल वाली सर्विस मैंने बता ही दिया है कि जैसे पेड वाला होता है ना, वो सब नहीं करना है आपको यहाँ पे। और ये भी कहा जा रहा है सेलिंग नॉन मेडिकल मतलब दवाइयाँ जो होती हैं ये सब इस पर सेल मत कीजिए। ठीक है, और जो डोनेट चलता रहता है ना, डोनेट कीजिए, ये कीजिए, बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे मालूम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते हो, मतलब एक तरीके से यहाँ पे आप सेलिंग बाइंग ये सब नहीं कर सकते हो। ठीक, और जो भी नियम के खिलाफ है, जो कि कानून के खिलाफ है, वो चीज़ें यहाँ पे मत कीजिए। कानून इस पर भी लगता है, ठीक, बाहर है इस पर भी, ठीक, वो मत कीजिए। अगला है रिस्पेक्ट अदर मेम्बर्स ऑफ द इंस्टाग्राम कम्युनिटी। मतलब इंस्टाग्राम पे जैसे मैं हूँ और आप हैं तो एक दूसरे का सम्मान करना है। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि पैर और छूना है, ठीक है, कहने का मतलब है रिस्पेक्ट करना है, गाली गलौज नहीं करना है, अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कमेंट में चालू हो जाते हैं, वो सब नहीं करना है भाई। आप एक को कर रहे हो, ज़्यादा को करोगे कोई आपके खिलाफ रिपोर्ट कर देगा, आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं करना है। कहने का मतलब इंस्टाग्राम पे ये है कि आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए और गलत चीज़ें मत बोलिए किसी को। अगला है दोस्तों मेंटेन आवर सपोर्टिव इन्वायरमेंट बाय नॉट ग्लोरीफाइंग सेल्फ इंजरी। मतलब खून खराबा नहीं कर सकते हो, खुद को हानि नहीं पहुंचा सकते दूसरों को खुश करने के लिए। ठीक है, तो खून खराबा इंस्टाग्राम पे नहीं करना है और सेल्फ इंजरी नहीं करना है, दूसरों को मतलब खुश करने के लिए, लाइक बटोरने के लिए ये सब नहीं करना है। खून खराबा वाली चीज़ें इंस्टाग्राम पे नहीं करना है। दोस्तों अगला है बी थॉटफुल व्हेन पोस्टिंग न्यूज वर्दी इवेंट। न्यूज से भी रिलेटेड यही चीज़ है कि न्यूज उन्हीं को अपलोड कीजिए जो कि जेन्युइन है, जो कि सही है, अदरवाइज मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती, कई सारे लोग होते हैं, सबको अलग अलग तरीके से देखना होता है उस न्यूज़ को, कोई अलग मतलब निकाल सकता है, कोई कुछ भी निकाल सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो न्यूज़ को अपलोड ही मत कीजिएगा। अगर आपका सही न्यूज़ है, जेन्युइन है, तो उस पर कैप्शन दीजिए जो कि अच्छा है, जो कि लगे रिव्यू किया जाए तो हाँ लगे ये सटीक है, तो आपका अकाउंट बच सकता है, आपकी पोस्ट बच सकती है, अदरवाइज खत्म। अगला है हेल्प अस कीप द कम्युनिटी स्ट्रांग। अब ये इनका है कि मतलब हमें कम्युनिटी अपनी स्ट्रांग करनी, मजबूत करनी, तो इसमें आप लोग मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम कह रहा है, तो इंस्टाग्राम कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई अकाउंट ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए गलत तरीके से, तो आप उस पर रिपोर्ट कीजिएगा, हमारी इंस्टाग्राम टीम उस पर रिव्यू करेगी। दोस्तों अगला यहाँ पे कि अगर कोई वायलेट कर रहा है और आपको लगता है तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट करते हो, तो यहाँ पे वो अकाउंट जो है अनफॉलो हो जाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे आप किसी को कॉपीराइट के खिलाफ जो रिपोर्ट कर सकते हो, अगर उसने आपकी चीज़ों को यूज किया है तो आप वहाँ पे उसको कॉपीराइट का रिपोर्ट कर सकते हो और इंस्टाग्राम की जो रिव्यू टीम है उस पर एक्शन लेगी। तो मतलब ये है कि आप उसकी भी मदद कर सकते हो रिपोर्ट करके। अगर कुछ चीज़ें नहीं पसंद है इंस्टाग्राम पे तो आप उसको रिपोर्ट कीजिएगा, इंस्टाग्राम की टीम जो है उस पर रिव्यू करेगी। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो भी इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। और बाकी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो। ठीक, अगर आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह के नॉलेजबल और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।